महंगाई की मार से आम आदमी त्रस्त है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। हर रोज बढ़ते पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर जनता में नाराजगी बढ़ने के बाद केंद्र की ओर से दाम घटाए जाने के बाद बिहार सरकार ने टैक्स में कमी का ऐलान करके जनता को मामूली राहत दे दी। कीमत दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में ज्यादा है। कुछ कदम चलने के बाद ही लोगों के 1 रुपए से लेकर 23 रुपए तक का फायदा हो जाता है। बिहार से लगे राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता। बिहार की तुलना में यूपी और झारखंड में पेट्रोल की कीमत काफी कम है। वहीं बंगाल में टैक्स में कटौती नहीं होने के बाद भी बिहार से वहाँ पेट्रोल सस्ता मिल रहा है। बिहार के सिवान में जहां पेट्रोल का दाम 107 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, वहीं कुछ दूर चलते ही यूपी में 12 रुपए सस्ता मिल रहा है। बलिया में पेट्रोल का दाम 95 रुपए प्रति लीटर है। यही नहीं, बिहार के सीमा से लगे झारखंड के जिलों में पेट्रोल की कीमत काफी कम है। कोडरमा की बात करें तो 99 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल यहाँ बिक रहा है। वहीं बंगाल की बात करें तो टैक्स में कटौती नहीं होने के बाद भी बंगाल में पेट्रोल बिहार से सस्ता ही है। आसनसोल में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 27 पैसे है। नेपाल में 82 रुपए में मिल रहा पेट्रोल। यही नहीं, बिहार से सटे नेपाल में पेट्रोल करीब 25 रुपए सस्ता है। इस कारण बिहार और नेपाल की सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले लोग इसका लाभ ले रहे हैं, जिसका मुख्य कारण नेपाल में पेट्रोल और डीजल का काफी सस्ता होना है। नेपाल में पेट्रोल 82 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बिहार के सीमावर्ती इलाके के लोग पेट्रोल और डीजल के लिए नेपाल पहुंच जाते हैं। जरूरत पड़ने पर ही लोग बिहार में पेट्रोल लेते हैं। पेट्रोल पंप मालिकों की हालत खराब। बिहार से सटे राज्यों में पेट्रोल डीजल का रेट कम होने के कारण कोई यहाँ पेट्रोल खरीदना नहीं चाहता। इस कारण सूबे के पेट्रोल पंप मालिक का हाल खस्ता पड़ा हुआ है। पंपों पर कर्मचारी झक मारते रहते हैं। कोई भूले भटके ही पेट्रोल डीजल लेने के लिए पहुंचता है। पेट्रोल डीजल की बिक्री नहीं होने से कर्मचारियों के वेतन पर भी आफत आ जाती है। चाहकर भी पंप मालिक अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं बांट पाते हैं। बहरहाल पेट्रोल डीजल पर केंद्र और कुछ राज्यों के खेल में पब्लिक कहीं खुद को ठगा हुआ तो कहीं खुश महसूस करती है। खासकर उन राज्यों के सीमावर्ती शहरों या कस्बों जहां पेट्रोल डीजल पर वैट की दरें या तो घटाई नहीं गई या पड़ोसी राज्य की तुलना में कम घटी है। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।